ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 कैनवा टिप्स के बारे में। काफ़ी सारी नई ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप नई सीख रहे रहोगे, ठीक है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं कैनवा पे, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, और जो लोग अभी बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है हाल ही में, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वाला, ठीक है। तो काफ़ी सारे नए टूल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, काफ़ी सारे टूल्स जैसे कि कॉपी स्टाइल वगैरह है जिनका यूज़ लोगों को उतने अच्छे से करते नहीं आता या पता नहीं है, उनके बारे में भी हम थोड़े से बात कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो से जो लोग जो भी वैल्यू करके जा रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चार चीजें आज की वीडियो से नहीं सीखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे मतलब लिखना चाहिए आपको कि 4/20, ठीक है। तो आप जो है से लिख सकते हो, और उसके बाद जो भी इंसान लिखेगा कि भाई 20 out of 20, मतलब कि 20 में से 20 चीज़ें जो थी आज हम सीख करके गए या नई सीखी है, तो उसको ऐसे पिन कर दिया जाएगा कि भाई साहब पूरी चीज़ें नई सीख के गया है सामने वाला, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं, और भी जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड स्टाफ है वो आपको मज़ेदार लगता है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है, और एंड तक देखना, ठीक है। तो सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, तो अभी मैंने किस देर गए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, सो अभी जो हमारी पहली ट्रिक है वो है फोटो के आउटलाइन वाली। तो जितनी भी इमेजेस होती है यार, उसमें से बाउंड्री होती है, ठीक है। इसके अलावा थंबनेल डिजाइनिंग में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई जो बाउंड्री होती है ना वो कर देते हैं, तो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में ही हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। हमारा पहला जो ट्रिक है वो है फोटो आउटलाइन वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दो लेडीज़ हैं हमारे पास, इनकी मैंने एक की ब्लैक में बाउंड्री की हुई है और एक की दूसरे कलर में की हुई है। तो कैसे किया, तो सिंपली आप एडिट इमेज पर जाओगे, इसके बाद ग्लो पर जाओगे, शेडोज़ में जाने के बाद ग्लो पर जाओगे, तो आपको देखोगे पीछे से शेडो आ गया है, ठीक है। तो ये जो शेडो आया है, इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको 100 कर देनी है, इसके बाद जो ब्लर इफेक्ट है वो 0 कर देना है। तो आप देख सकते हो बॉर्डर आ गया, साइज आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो जितना भी आपको बॉर्डर का थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, इनफैक्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ज़्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं। तो इस तरीके से जो है कटआउट्स पे बाउंड्री बनाई जाती है। तो यही सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप जो है अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऊपर ऐसे बाउंड्री बाउंड्री डाल सकते हो, ठीक है। सो ट्रिक नंबर 2 इज ब्लर बैकग्राउंड वाली ट्रिक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ये अभी फोटो है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसे हमें ब्लर करना हो, तो कोई भी ऐसी फोटो हो जिसके हमें पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये वाली फोटो है, और अब इसका हम जो है कैसे करेंगे, तो एडिट इमेज पर जाएंगे, इसके बाद नीचे आओगे आप, तो आपको यहाँ पर ऑटो फोकस वाला जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो करेगा ये फंक्शन करने वाला है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही ऑटो फोकस है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लर हो चुका है। आप इंटेंसिटी जो है इसकी कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा जैसी करनी हो आपको, जितना ब्लर करना हो आप कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो अपने आप सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हमारा सही से हो जाएगा, ठीक है। अब आती है यार नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 3 विच इज़ पेंट इफेक्ट वाला ट्रिक। तो यार इसके पीछे ऐसे ड्राइंग है या हम कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो पेंट इफेक्ट वाला हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो अभी वो कैसे देने वाले हैं, तो सिंपली फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास फोटो है, आप एडिट इमेज पे जाओगे, इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे पेंट इफेक्ट में, तो आप यहाँ पर पेंट इफेक्ट पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला मैं जो है इफेक्ट चूज़ कर लेती हूँ, तो वो जो है इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने फिर से बोला इसमें हमको कुछ नहीं करना, जो करना है इन्हें करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सी कंट्रोल्स देख सकते हो, ये हमारा इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ सी कंट्रोल्स पे जैसे आप कंट्रोल करोगे मतलब क्लिक करोगे, तो आपको जो है लो, मीडियम, हाई 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो और सिंपली अप्लाई कर दो, तो इस तरीके से ये जो है फोटो हमारी रेडी हो जाएगी। इसके अलावा दोबारा भी हम जाकर देखते हैं, और भी इफेक्ट्स हैं, एक आधा और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो इसमें जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैंने चूज़ किया, तो आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हो, ठीक है, ये उतना सूट नहीं हो रहा है। तो हर पिक्चर पे अलग अलग इफेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है। ये वाला इफेक्ट जिसे उतना खिल के नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम दूसरा इफेक्ट ये वाला अगर ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या ज़्यादा उभर के आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इफेक्ट्स भी यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा ऐसे सोच समझ के अच्छा सा कौन सा लगेगा, ऐसे सोच समझ करके यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने यूज़ किया, और ये थोड़ा सा ऐसे ठीक सा लग रहा है, मतलब उससे पहले वाले से बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा अगला इफेक्ट है ये जो है डन हो गया है। अभी बात आती है ट्रिक नंबर 4 की, जो कि है शेडो इफेक्ट वाला ट्रिक। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हमारा जो है नेक्स्ट ट्रिक है ये,
तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जाओगे एडिट इमेज पर, शेडोज पर जाओगे, उसके बाद आप ड्रॉप शेडो डाल सकते हो, एंगल वाला शेडो डाल सकते हो, कर्व वाला डाल सकते हो, पेज लिफ्ट डाल सकते हो, ठीक है, बैकड्रॉप डाल सकते हो, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा आप जो है इसके जो 3 कंट्रोल्स हैं इसके थ्रू आप इसकी इंटेंसिटी, इसका कलर, ब्राइटनेस, विड्थ सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अभी जैसे ये नेक्स्ट पेज पे हम इसमें हम जो है बैकड्रॉप डाल के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको जो शेडो अच्छी लग रही हो, जो आपके हिसाब से जा रही हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने जूम करके भी दिखाया आपको, तो इस तरीके से जो है शेडो लगने वाली रहेगी, ठीक है। बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। जैसे हमारे पास कोई ऐसे इमेज है उसको हमें फ़ोन में डालना हो या स्क्रीन पर शो करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें मॉकअप भी कहलाती है यार, मॉकअप्स बनाना, तो उसके लिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, ये आना चाहिए बनाना चाहिए, तो इसमें काफ़ी सिंपल है, चंद कहना चाहिए क्लिक्स का खेल है। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी आप जो है स्क्रीन पर आ जाओ, तो हम इमेज कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये वॉलपेपर है तो इसको हमें स्क्रीन पर डालना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एडिट इमेज पर जाएंगे सिंपली, और नीचे स्क्रोल करते हुए आ जाओ आप, और आपको यहाँ पर जो है स्मार्ट मॉकअप्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये फोन टू वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो स्क्रीन पे है ना आपका जो वॉलपेपर है वो आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा लोड होने में, बाकी फिर उसके बाद जो है स्क्रीन पर आपका जो जो भी फोटो है वो आ जाएगी। तो आप अप्लाई कर दो। इसके अलावा इसका भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, फिट करनी है आपको पूरी की पूरी फोटो चाहिए तो इस तरीके से आप फिट कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मैनेज कर सकते हो, इसके अलावा साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें आपके हिसाब से एडजस्ट करनी है, कुल मिला के आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो थोड़ा बहुत इसमें, ओके। अभी यार बात आती है यार नेक्स्ट ट्रिक की, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो, इसलिए है यार क्योंकि आप जो है बुक मॉकअप्स, काफ़ी सारे लोग फाइवर पे सिर्फ मॉकअप बुक मॉकअप का ही सर्विस ऑफर करते हैं, तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। इनफैक्ट इससे क्वालिटी भी काफ़ी मेंटेन हो जाती है काफ़ी हद तक। तो अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, आपका जो मेन फोटो है PNG वो काफ़ी अच्छा है, तो इससे आप जो है बना सकते हो मॉकअप्स, ओके। तो अभी यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली जो है इमेज है, आप वापस एडिट इमेज पर जाओगे, नीचे स्मार्ट मॉकअप्स पर जाओगे, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बुक के ऑप्शन भी मिलेंगे। तो जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा होगा, नीचे आप स्क्रोल करोगे, फ़ोन्स के हैं, लैपटॉप्स के हैं, स्क्रीन्स हैं, कार्ड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेम्स भी हैं। तो आप नीचे आते जाओगे तो आपको यहाँ पर बुक का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 बुक के मॉकअप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने बुक नंबर 5 सेलेक्ट किया अभी यहाँ पर, तो आप देखोगे कि धीरे से वो जो है उसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हो साइज़। इसके अलावा अगर आपकी फ़ोटो कस्टम है तो आपको ऐसे साइड वाइड में करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। अभी हमने दूसरा मॉकअप सेलेक्ट किया है बुक नंबर 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली उस पर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इसके पीछे का कलर जो है वाइट है, जो स्पाइन का कलर है जो उस साइड का, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपली ऑब्जेक्ट कलर पे जाओ तो ये देखो अभी ब्लैक हो गया। अभी नीचे जाओगे तो उसका कलर ब्लू कर दोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो सिंपली आप स्पाइन का कलर भी मैनेज कर सकते हो, पीछे का जो कलर है, जो पीछे वाला बैक कवर है वो भी मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा एक और वॉलपेपर लेते हैं यार हम लोग, और इसको जो है हम इसे स्क्रीन पर डाल के देखते हैं, मतलब वॉल वाले स्क्रीन पर, वॉल पे जो वॉलपेपर लगा होता है ना वो वाला, उस टाइप से कुछ देखते हैं कार्ड। तो यहाँ पर आप फ्रेम्स देख सकते हो, तो जैसे ये चेयर वाला फ्रेम है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इस पर डालती हूँ तो यहाँ पर जो है वो सिंपली उस पर आ जाएगा। उतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा क्योंकि यार ये मतलब वो वॉलपेपर से ज़्यादा ये फ़ोन पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये वाला, इसके अलावा दूसरी इमेज होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। अब आ रही है ट्रिक नंबर 7 की। कई बार होता है कि हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ही चाहिए डाउनलोड करने के लिए, हमको पूरी चीज़ नहीं डाउनलोड करनी है, हमको सिर्फ एक सेक्शन चाहिए, हमको सिर्फ उतना डाउनलोड करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट करेंगे, नया सा उसका एक कस्टम साइज डालेंगे, उसमें पेस्ट करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन भी, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसको देखते हैं आज। तो फिर देखो अभी क्या करना है, आप यहाँ पर आए, जैसे ये वाला है, सिर्फ मुझे इतना फैशनेबल क्लोथिंग वाला जो सेक्शन है वो डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी, इसके बाद नीचे आते जाओगे तो डाउनलोड सेक्शन पे आओगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आप साइज़ मैनेज कर सकते हो, PNG चाहिए, JPG चाहिए, क्या चाहिए, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, कंप्रेस करनी है फाइल, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ उतने पार्ट के लिए, जैसे कि ये जो फैशनेबल क्लोथिंग है ना, सिर्फ इतने पार्ट के लिए। तो अभी यहाँ पर PNG है तो मैं PNG में आपको एक बार डाउनलोड करके भी दिखा देती हूँ। तो ये हमने फॉर एग्जाम्पल अभी ये छोटा सा ऐसे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया है, तो अभी इसको हम एक बार खोल खाल के दिख लेते हैं। देखो तो इस तरीके से दिख रहा है, सिर्फ उतना ही पार्ट आया, ठीक है, पूरा का पूरा PPT का नहीं आया, सिर्फ हमको उतना ही चाहिए था तो हमें उतना ही मिला, ठीक है।
बात आती है ट्रिक नंबर 8 की। ट्रिक नंबर 8 जो है काफ़ी मेरी फेवरेट हुई है और काफ़ी यूनिक टूल है, ठीक है। तो कॉपी स्टाइल उसका नाम है, उस टूल का नाम है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कहना चाहिए फॉन्ट है या कोई टेक्स्ट है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसका टेक्स्ट का कलर दूसरा है, उसके टेक्स्ट का फॉन्ट भी दूसरा है, उसके टेक्स्ट का कलर दूसरा है, फॉन्ट दूसरा है, और इसके अलावा उसमें कोई इफेक्ट भी डाला हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें सिंपली, और उसके अपोजिट में जो है एक टेक्स्ट है जिसमें दूसरा फॉन्ट है, दूसरा कलर है और कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो पहला वाला था इसके जैसे ही दूसरा वाला हो जाए तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलने में थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी बन रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ आ जाते हैं स्क्रीन पर समझने के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है नीचे मैंने फॉन्ट मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इसमें एक जो श्रुति है वो पिंक कलर में है, इसके अलावा उस पर हॉलो वाला इफेक्ट डाला हुआ है, और इसका फॉन्ट जो है हम चेंज कर देते हैं क्योंकि फॉन्ट दोनों की सेम है, तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी फॉन्ट डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो जो इसके नीचे वाला जो भी लोड होके आएगा यही वाला डाल देते हैं, ठीक है। अभी दोनों के फॉन्ट भी डिफरेंट है, तो सब कुछ डिफरेंट है। तो अभी दोनों को सेम करना है तो एक 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 चेंज करना पड़ेगा ना, पहले इसका फॉन्ट, फिर कलर, फिर उसके बाद इफेक्ट। तो इसकी जगह आप क्या करोगे, सिंपली इस पर क्लिक करो, ये जो कॉपी स्टाइल वाला टूल है उसको सिलेक्ट करो, और जो उसको चेंज करना है उस पर जाके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखो इस तरीके से जो है ये पूरा ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा है। अभी शेप के साथ भी आप सेम चीज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप शेप के साथ भी कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि भाई ये जो हमारा स्क्वायर है इसके साथ बाउंड्री है, इसका कलर दूसरा है, तो अगर ये जो सर्कल है मुझे सेम इफेक्ट इसमें डालना है, सेम स्टाइल, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपी स्टाइल। जो उसकी स्टाइल है हमको कॉपी करके इस पर डालनी है। तो सिंपली आपको उस शेप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी स्टाइल पे जाना है, और उसके बाद जो है आप ऐसे क्लिक करो, तो देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अभी ये जो है रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे सर्कल पे कोई इफेक्ट नहीं था ना, हम चाहते हैं इस पे भी कोई इफेक्ट ना रहे, तो हम सिंपली ऐसे करेंगे तो इस पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेम हो जाता है, कॉपी स्टाइल का मतलब भी वही हुआ, ओके। तो इस तरीके से कॉपी स्टाइल टूल काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो और काफ़ी सारे पेजेस हों, तो एक एक चीज़ बार बार फॉन्ट चेंज करना, बार बार कलर चेंज करना, बार बार इफेक्ट डालना, बार बार कुछ तो भी फिल्टर्स डालना, तो ये सारी चीज़ें बार बार करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कॉपी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे। इनफैक्ट फिल्टर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फोटो है तो उस पर दूसरा फिल्टर है, और दूसरा फोटो है उस पर दूसरा फिल्टर है, तो दोनों के फिल्टर जो है एडजस्ट करने के लिए भी आप कॉपी स्टाइल टूल का इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी ट्रिक नंबर 9 की बात आती है यार, वो है हमारा प्रेजेंटेशन लेआउट वाला ट्रिक। तो यार उसमें क्या है ना कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसे प्रेजेंटेशन बनानी होती है लेकिन हमें पूरा का पूरा वो नहीं चाहिए, मतलब किसी की उठा करके और आप एडिट करके टेम्पलेट नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको ऐसे एक लेआउट मिल जाए कि भाई पहला पेज, दूसरा पेज, और हम सिर्फ सिलेक्ट करते जाएं अपने हिसाब से, थीम हमारी, कलर हमारा, सब कुछ हम एक बार में मैनेज कर सकते हैं, और सिर्फ पेजेस का लेआउट चाहिए हमको, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लेआउट बना बनाया मिल जाए कहीं से और उसके बाद हम अपना एडिट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे या उसका क्या ऑप्शन है कैनवा में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये अभी मैंने प्रेजेंटेशन वाला डॉक्यूमेंट ही खोला हुआ है, तो इसमें टेम्पलेट्स जो है ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेआउट का ऑप्शन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है काफ़ी सारे ऐसे लेआउट दिखने मिल जाएंगे, बार चार्ट है, कॉलम्स है, इसके बाद लिस्ट है, इसके बाद लिंक है, तो पिक्टोग्राम है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ऐसे आपके पास यहाँ पर, तो आप वो सारे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वाला फीचर भी है। तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसके कलर मैनेज कर सकते हो, आपको जैसा लग रहा हो आप ऐड करते जाओ, जो जो पेजेस ज़रूरी हैं आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली उनको ऐड करो उतने टाइम्स, और उसके बाद एक अपना पूरा बना लो, उसके बाद कलर्स मल्टीपल ऐड कर दो, और उसके बाद सारा कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो ऐड हेडिंग और काफ़ी सारे डायग्राम्स वगैरह भी हैं। तो ये प्रेजेंटेशन लेआउट वाला है, अगर आपको ये सेक्शन नहीं पता था, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मुझे भी नहीं पता था, अभी अभी पता चला है हाल ही में इसे डिस्कवर करते करते, तो अगर ये नया आपने फीचर सीखा है इसी बात पर लाइक कर दो, ठीक है, कुछ नया सीखा है। अब जो है हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ, ट्रिक की तरफ, ओके, नॉट टिप, टिप ट्रिक कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, तो उसमें है जो है हम बात करने वाले रहेंगे टेबल्स की, ओके। पहले हम जब कैनवा में काम करते थे तो एकदम ऐसे बेसिक से बनाना पड़ता था, कि एकदम ऐसे स्टार्टिंग से पहले एक एक लाइन, फिर से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सारा करके, और उसके बाद ऐसे बेसिक से फॉर्म करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है टेबल्स का एक नया फंक्शन ऐड हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको एलिमेंट्स पे जाना है, और उसके बाद आप नीचे जाओगे तो फिर आपको है ना एक, मतलब ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको टेबल्स वाले से सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ,
तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं यार ये टेबल वाले कॉलम में, ठीक है। तो अभी जैसे आपको ये थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड अ कॉलम वाला, तो आप कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। उस पर जाओगे कॉलम ऐड होता जाएगा, यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे, अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आप साइज कॉलम्स इक्वली कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, रोज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं, और अभी यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मर्ज सेल का भी ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देखो इक्वली, अभी मैंने सेलेक्ट किया ना, तो आप जब भी इसको ऐसे इस साइड में उस साइड में करोगे तो इक्वली स्पेस रहेगा सारा कुछ, अभी नीचे वाला नहीं रहेगा क्योंकि उसके लिए हमने सेलेक्ट नहीं किया, बट ऊपर वाले सारे इक्वली बड़े छोटे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, आपको एक पर्टिकुलर कॉलम को भी बड़ा करना हो छोटा करना हो तो आप कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा ये अभी जुड़े हुए हैं सारे के सारे, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर जाओगे नीचे ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिलीट कर सकते हो कॉलम, ऐड कर सकते हो कॉलम, मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ऐसे एक यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी रिवर्स कर देते हैं, अभी मर्ज की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप कॉलम्स मूव कर सकते हो, ठीक है, राइट में लेफ्ट में, अगर आपने कुछ लिख दिया है ऑलरेडी लेकिन आपको वो इस साइड चाहिए था तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी आप देखोगे मैंने इक्वली पे क्लिक किया तो पूरा इकट्ठा एक साथ ही उसका साइज़ जो है बड़ा छोटा हो रहा है। इसके अलावा बाउंड्रीज के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको अपना बॉक्स किस तरीके से चाहिए है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, हालांकि वो डायरेक्टली आप टेबल से भी सिलेक्ट कर सकते हो पर यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आज जो है यहाँ पर आप टेबल की स्पेसिंग देख सकते हो, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सेल की स्पेसिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप जो है कर सकते हो, इसके अलावा इसके कलर्स चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने पर्पल कर दिया है, नीचे वाले का भी हम पर्पल कर देंगे, तो इस तरीके से आप एक एक करके भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो इकट्ठा पूरा सिलेक्ट करो और उसके बाद उसको पूरे को ऐसे कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है हम कर सकते हैं, तो ये टेबल्स वाला सेक्शन था यार। अब बारी आती है मेरे फेवरेट टूल की, दूसरा फेवरेट टूल, पहला तो कलर पिकर, मतलब पहला तो हमारा कॉपी स्टाइल था, अभी दूसरा जो है वो है कलर पिकर, ठीक है। तो कलर पिकर में क्या होता है यार, कई बार कैसे होता है हमारे पास कोई डिज़ाइन है लेकिन हमको दूसरा कलर चाहिए, या हमें जो हमारा टैब का कलर है वो चाहिए, हमने किसी दूसरे डिज़ाइन से पता किया है, मतलब हमें कोई दूसरी डिज़ाइन पसंद आ गई, हमें उसका कलर चाहिए लेकिन हमें उसका कोड नहीं पता है तो वो मिल नहीं रहा है, तो हम कैसे मतलब वही एग्जैक्ट कलर कैसे ले सकते हैं बिना उसके कोड की जानकारी के। तो हमारे पास इसके लिए एक टूल है जिसका नाम है कलर पिकर, ठीक है, जिससे हम कलर पिक कर सकते हैं कुल मिला के किसी भी डिज़ाइन का, और अपने डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी डिज़ाइन का तो नहीं कहना चाहिए, किसी भी चीज़ का, अगर आपका टैब का कोई कलर है ना दूसरा तो आप वो भी मतलब कहना चाहिए उसको ले सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे, आप सिंपली जैसे अभी हमारा ब्लैंक पेज है यहाँ पर, तो अभी आप ब्लैंक पेज पे आओ और यहाँ पर आओगे आप सिंपली, जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए जो ऊपर ब्लू वाला है ना वो चाहिए, तो अभी यहाँ पर हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो पिक अ कलर फ्रॉम डिज़ाइन, और आप देख सकते हो ये इस तरीके से जो है हम जहाँ पे भी कलर करेंगे तो उसका कलर आ रहा है, और हमें सिंपली क्लिक करना है और वो क्लिक कलर जो है हमारी डिज़ाइन पर आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कलर आ गया, ठीक है। अभी मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, मुझे जो है ऊपर वाले इसका चाहिए, तो ये आप इस तरीके से करोगे तो आपको सारे कलर जैसे देखने मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला ब्लू ले लिया, अब ये ब्लैक भी ले सकते हो, ये वाला ब्लू चाहिए तो ये वाला ब्लू ले लो, तो इस तरीके से जो है आप अपना कलर पिक कर सकते हो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में से, बाहर में से, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट ट्रिक इज शेप वाली ट्रिक, ओके। तो अभी इसमें क्या होता है, हमको क्या होता है, जैसे हमने एक पर्टिकुलर शेप लिया, मैंने स्क्वायर लिया, अभी मुझे सर्कल चाहिए तो स्क्वायर को डिलीट करूँगी और उसके बाद सर्कल को लेके आऊँगी, ठीक है। पर ऐसे हो सकता है कि वही स्क्वायर जो है वो सर्कल बन जाए, वही जो सर्कल है फिर वो स्टार बन जाए, और फिर वो वापस जो स्टार है वो स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, ठीक है, वही ट्रिक है। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो वो कैसे कर सकते हैं, हम नीचे आओगे आप यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप वाला जो ऊपर दिख रहा है हमको ऑप्शन, हम उस पर जाएंगे और जैसे ही आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप इसको सिंपली क्लिक करो और वो पर्टिकुलर ऐसे शेप चेंज होता जाएगा, जैसे अभी ये हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी शेप चाहिए, जैसे भी चाहिए, सारा कुछ ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बिना कहना चाहिए बार बार डिलीट विलीट किए हुए हम जो है अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रिक इज ट्रिक नंबर 14। अभी इसमें क्या होने वाला है यार, हमारे पास क्या होता है, अभी आप मान लो आपने एक डिज़ाइन बनाई, ठीक है, आपने बना दी लेकिन आपको ऐसे कलर से ऐसे मन नहीं भर रहा है, और आपको दूसरी एक डिज़ाइन है उसका आपको पसंद है कि भाई ये कलर थीम जो है बहुत ही बढ़िया है, हमको यही चाहिए अपनी वाली डिज़ाइन में, अभी यही वाली कैसे लेके आए, दोबारा से डिज़ाइन करोगे, दोबारा से वही वाला कलर थीम यूज़ करोगे, वही वाला लेआउट डालने के लिए, वही वाले फॉन्ट्स डालने के लिए, सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा ना, लेकिन इसका भी उपाय है, ठीक है। तो हम वही फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिस डिज़ाइन को मतलब आपने पसंद किया है, वो कैसे कर सकते हो तो उसके बारे में बात करते हैं।
तो अभी जैसे यहाँ पर हम स्टाइल चेंज वाली जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डेमो मैं आपको एक दे देती हूँ, तो हम यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट, हमारा एक फेसबुक पोस्ट है हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम जो है हमारी ये वाली चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आ गए हैं फेसबुक पोस्ट पर, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरे पास डिज़ाइन है ऑलरेडी वी आर हायरिंग वाली। तो अभी ये वाली डिज़ाइन में है ऐसे ब्राउन वाला कलर, ब्लैक वाला कलर, लेकिन मुझे ये वाला जो येलो वाला नीचे थीम है ये पसंद है। तो मैं क्या करूँगी, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगी, अप्लाई स्टाइल ओनली पे क्लिक करूँगी। तो जो उसका स्टाइल है मतलब उसके जो फॉन्ट्स हैं प्लस उसका कहना चाहिए जो कलर है वो जो है इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। इसके बाद शफल कर सकते हो आप, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऐसे बदलता जाएगा अकॉर्डिंगली। तो आपको जिसमें मतलब ऐसे सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये अच्छा है तो आप वो कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इसमें हमें उतना मतलब इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो अलग है। अभी जैसे मुझे दूसरा डिज़ाइन पसंद आ गया, मुझे ये वाले से मतलब एकदम से मन उचट गया, नहीं पसंद आ रहा, अभी ये वाला पसंद आ गया। तो इसका भी अप्लाई स्टाइल करोगे सिंपली, और आपका ये वाले का भी थीम, ये वाले का भी कलर, ये वाले के फॉन्ट, जैसे ये जो है आप फॉन्ट देख सकते हो दोनों के फॉन्ट सेम है, तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आ रही है आप उसका लेआउट जो है ले सकते हो, पूरा का पूरा डिज़ाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर था। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। बीच बीच में बोलना पड़ता है यार, क्या करूँ मैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारे, वो है ट्रिक नंबर 15। तो अभी उसमें क्या होगा, हम जो है टेक्स्ट जो है हमारा वो शेप्स में डाल रहे होंगे। किस में डालोंगे, शेप्स में। तो यार ये तो हम वैसे भी डाल सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें क्या नई बात है, लेकिन नहीं, शेप हम लेंगे और सीधा टाइप करेंगे उसमें, ठीक है, अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वो कैसे करने वाले हैं, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारी ट्रिक नंबर 15 है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी आ गए हम, और यहाँ पर आप शेप्स पे जाओगे सिंपली, और यहाँ पर हमने जो है आप देख सकते हो ये से बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हर शेप के साथ होता है, ठीक है, अपने आप ही आता है, और सिंपली टाइप करना स्टार्ट करो, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आते जाएगा। इसके अलावा इसका सेम आप जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसमें जितने भी इफेक्ट्स हैं ना सारे डाल सकते हो। सिंपली आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स जो है, अगर टेक्स्ट आपको शेप के अंदर लिखना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट के बाहर चाहिए तो फिर तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर शेप के अंदर चाहिए तो ये फंक्शन अवेलेबल है कि आपको अलग से नहीं लेना है भाई, उसमें ऑलरेडी जो है फंक्शन वो दिया हुआ है, ओके। ट्रिक नंबर 16 इज कॉर्नर राउंडिंग वाली। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक स्क्वायर है, तो हमें उसकी जो है राउंड करना है, उसको उसके जो एजेस हैं ऐसे सॉफ्ट कर देना है। हालांकि फिर वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी हमें उसको ऐसे सॉफ्ट कर देना है उसके कॉर्नर्स। और इसके अलावा बाकी भी कोई शेप है जैसे स्टार शेप है, तो उसके भी एजेस जो है एकदम ऐसे शार्प ट्राइंगल है, तो हमको उसको सॉफ्ट करना है, ऐसे हल्का सा राउंड देना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है हमारे पास नीचे है ट्रिक नंबर 16। अभी हम नीचे स्क्रोल करते हैं और हमारे पास है यहाँ पर एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम इसके एजेस कैसे करेंगे सॉफ्ट, तो आप यहाँ पर जाओगे बॉर्डर स्टाइल पे, सिंपली उस पर क्लिक करोगे, इसके बाद कॉर्नर राउंडिंग को बढ़ा दोगे। तो इस तरीके से आप 100 कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आकर के कि इसके जो कॉर्नर्स हैं एकदम गायब हो चुके हैं और एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमने जो पिछली ट्रिक थी हम वो यूज़ करेंगे और उसका शेप बदल दिया जाएगा दोस्तों। तो अभी इस पर हम ऐसे ही रहेंगे, यहाँ से शेप पे जाएंगे और अभी ये रेक्टेंगल बन जाएगा स्टार। तो स्टार बन चुका है। अभी स्टार के भी जो है हम एजेस जो हैं ऐसे कॉर्नर से ऐसे राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार के भी एजेस जो है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और वो अभी स्टार से स्टार फिश हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने सारे शेप्स भी जो है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब साइड से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है, उनके एजेस जो है वैनिश हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से जो है हमने शेप्स के साथ भी थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारी वो काफ़ी स्पेशल है यार, उसमें हम देख रहे होंगे कि हम बॉर्डर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप पे हमें बॉर्डर देनी हो। सपोज करो आपका एक रेक्टेंगल है, उसकी आपको ऐसे बॉर्डर देनी है, ठीक है, सिंपल बॉर्डर देनी है, डॉटेड बॉर्डर देनी है, जैसी बॉर्डर देनी है, ठीक है, तो कैसे दे सकते हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक्स, थोड़े से क्लिक्स का ही काम है, ठीक है, तो वो कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ पर हमारे पास वापस एक रेक्टेंगल है, काफ़ी बार रेक्टेंगल आ रहा है इस वीडियो में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम जाएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, जैसे हम पहले गए थे कॉर्नर राउंडिंग के ऊपर ही जो है ये बॉर्डर विड्थ वाला मतलब बॉर्डर वेट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इससे आप जो है इसकी जो है साइज़ वाइज थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरा कलर दे देती हूँ इसको, तो काफ़ी सारे कलर्स हैं यहाँ पर, कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है यार। तो ऐसे काफ़ी सारे आप साइजेस एडजस्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, मंझला संझला जैसे भी करना हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें भी, हमारे बॉर्डर की विड्थ में भी, तो हम वैसे उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारा नया ट्रिक हुआ। अगर ये सीखा है अभी नया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ओके। तीसरी चौथी बार तो बोल ही दिया यार, कर देना, ठीक है। अभी जो है हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है जो कि है ट्रिक नंबर 18।
जिसका नाम है ड्रॉ इन कैनवा। ठीक है, तो ये फीचर जो है अभी अवेलेबल नहीं है किसमें, हमारे फ़ोन में, लेकिन जो है लैपटॉप वगैरह में अवेलेबल है। लगा भी डेस्कटॉप वाले फीचर पे है, ऐप वाले फीचर पे भी नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉ बीटा के लिए क्या करना है आपको, तो आप इसमें ना ड्राइंग व्रॉइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर टाइम दे के दोगे तो काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन वगैरह थोड़े बहुत ऐसे मतलब मोटे मोटे जो हैं बड़े बड़े ऐसे होते हैं सिर्फ, जिसमें बाउंड्री बाउंड्री हो उस तरीके से बना सकते हो टाइम दोगे अगर तो। ठीक है, बाकी जल्दी में तो मैं करके दिखाई रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप आओगे, नीचे जाओगे, मोर पे जाओगे और उसके बाद आपको ये ड्रॉ बीटा वाला ऑप्शन दिखेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ग्लो पेन मिलेगा, हाइलाइटर मिलेंगे, मार्कर मिलेंगे, उसके अलावा पेन मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हम ग्लो पेन से, मेरा खुद का मैं नाम लिख रही हूँ SHRUTI। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने अपना नाम लिख लिया। इरेजर भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं मिटाने मिटाने के लिए, लेकिन अभी उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा एलिमेंट बन गया है। अगर मैं इस पे से डबल क्लिक करती हूँ तो ये जो है अपने आप जो है मेरी इमेज बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये इमेज के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पे सारे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, इसके अलावा इसकी कहना चाहिए जो भी हम इमेज के साथ जितनी भी छेड़खानी कर सकते हैं ना, वो सारा कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं, वो एज ए इमेज काम कर रहा होगा। ओके, इसके बाद इसमें हम थोड़ा बहुत एनिमेशन भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो हाईलाइटर वाला है इसको भी हम ट्राई करते हैं। इसका साइज़ जो है 100 कर लेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू वाला है, तो आप इसे, मैंने बोला ना टाइम दे करके करोगे, थोड़ा सा दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें से निकल के आएंगी। जैसे यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ पूरे में, और यहाँ पर इसके साथ में जो है हम पर्पल कलर डालेंगे थोड़ा सा, तो इस तरीके से। और भी कलर्स हैं खैर, बाकी हम यहाँ पर पर्पल ही करने वाले हैं, तो हम उसको भी जो है बाकी की बची कुछ जगह पे ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप जो है आपका हो जाए, उसके बाद जो है आप डन पे क्लिक कर दो। तो अभी यहाँ पर हम डन पे क्लिक करते हैं और ये देखोगे आप, तो ये एक इमेज बन गई है। ठीक है, अब इसको हम पोजीशन, बैकग्राउंड, सब कुछ ऐसे पीछे वीछे कर सकते हैं, सारा कुछ जितना कुछ एक इमेज के साथ कर सकते हैं उतना ही इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम बैकग्राउंड में से पीछे डाल देंगे तो ये बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारी इमेज बन करके तैयार हो गई है, और इसके साथ भी आप फ्लिप कर सकते हो, ये एनिमेशन मैंने डाला फन वाला, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हम श्रुति कोठा के बीच में रख देते हैं। ओके, अब जो है ये हमारे ड्रॉ बीटा वाला फीचर हो गया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट फीचर आता है, या नेक्स्ट ट्रिक कहना चाहिए, हमारी ट्रिक नंबर 19 है, सेकेंड लास्ट ट्रिक, उसका नाम है कैरेक्टर बिल्डर। ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डर में क्या होता है, आप अपने कैरेक्टर्स बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि नाम बता रहे हैं। तो इसमें ना आपको हेड ऐसे चूज़ करने को मिलता है, इसके अलावा उसके एक्शन आप चूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ज़्यादा वेराइटी नहीं है यार, कि आप सोचो कि काफ़ी सारी वेराइटी हो, लेकिन जितनी है उतनी ठीक है, उसमें ही हम काम चलाएंगे अभी फिलहाल के। ठीक है, तो अभी आप यहाँ आओगे, वापस हम मोर पे जाएंगे, ब्लैंक पेज हमारा, हम वापस नीचे मोर पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे कैरेक्टर बिल्डर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे हेड दिख रहा है, फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है, इसके अलावा स्किन टोन दिख रही है, हेयर कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक हेड चूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारा हेड रहा। और इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि हम बहुत ही संतुष्ट हैं तो हम ये संतुष्टि वाला ही एक्सप्रेशन चूज़ करेंगे। इसके अलावा नीचे भागते दौड़ते रहते हैं, तो हम भागते दौड़ते वाला मतलब आप कुल मिला के आपको जैसे अच्छी लग रहा हो वैसे चूज़ कर सकते हो। फिलहाल जैसे आप ये देख सकते हो, ऐसा हम एनिमेशन क्रिएट कर दिया हमने छोटा सा। उसके बाद नीचे जो है आप जो स्किन टोन है चूज़ कर लो, हेयर कलर येलो कर दो, जो भी करना हो ठीक है आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपने कैरेक्टर्स आप बना सकते हो, काफ़ी सारे बना सकते हो, हेड के ऑप्शंस तो हैं इसमें। और अगर आपको यूज़ करना हो एक पर्टिकुलर जगह पे अपने डिज़ाइंस में, तो आप ये सारे कैरेक्टर्स भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आ जाती है हमारी लास्ट ट्रिक की, जो कि कहना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं आपके पास एक 10 15 20 25 पेज का जो है एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर वर्ड है टिप, और आपको जो है उसको टिप नहीं करके आपको उसको ट्रिक करना था, तो आप क्या करोगे, एक 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 पेज पे जाओगे और टिप की जगह ट्रिक टाइप करोगे, राइट। लेकिन कोई ऐसे टूल हो जो कि वो वर्ड सिलेक्ट करे, खुद से फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो वही टूल जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आ जाओ स्क्रीन पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रिक नंबर 20 लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं जहाँ पर ट्रिक नंबर 20 लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि टिप नंबर 20 लिखा रहे, या टिप नंबर 1, टिप नंबर 2। तो आप यहाँ पर फाइल पर जाओगे, इसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस वाले पर क्लिक करोगे, और फाइंड में जो है जो फाइंड वाला बार है, हम यहाँ पर जो हमें वर्ड चाहिए वो हम जो है मतलब फाइंड करना चाहते हैं, या जिसकी जगह पे हम चाहते हैं दूसरा वर्ड, तो वो टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर वो वर्ड है ट्रिक, तो जितनी भी ट्रिक्स हैं मैं चाहती हूँ वो रिप्लेस हुए हैं टिप से, तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो आप, नहीं तो अगर सिर्फ एक पेज पर जाते हो तो सिर्फ रिप्लेस कर दो, ठीक है, लेकिन हम रिप्लेस ऑल ही करेंगे। आप यहाँ से ऐसे साइड बार से जा सकते हो इधर उधर और देख सकते हो कौन कौन से पेज पर है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा, तो आप देखो सब जगह पे ट्रिक की जगह टिप हो गया। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे जो है वापस
टिप की जगह ट्रिक चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ से रिप्लेस विथ में हम ट्रिक लिखेंगे और फाइंड में जो है हम टिप लिखेंगे, ठीक है, जस्ट जैसा किया वैसे उसका उल्टा कर देना है, और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दो तो जितनी भी जगह पे होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारी ऐसे ट्रिक्स हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की, लगभग 20 ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार। और बाकी काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाली जा रहा, थोड़ी तबीयत ऐसे नासाज सी चल रही थी बट अभी ठीक है तो अभी हमने डाल दिया। बाकी थोड़ा सा ऐसे आवाज़ से लग रहा होगा, थक जा रहे हैं बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो वीडियो बना दी है, लगभग आधे घंटे के ऊपर की वीडियो थी तो यार काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। 10 बार बोल चुकी हूँ मुझे लग रहा है ये वाले वीडियो में, बट कोई बात नहीं, अभी कर देना, इतनी बार बोला है बेचारे बीमार इंसान ने तो कर देना, ठीक है। इसके अलावा अगर जो भी वीडियोस के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए है, जो चीज़ें सीखना चाहते हो, और फिग्मा अभी मैंने स्टार्ट किया है यार फिग्मा सीखने के लिए, और धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ सीखी हैं, तो अगर फिग्मा के बारे में UI UX डिज़ाइंस के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, चाहते हो कि मैं बताऊँ वीडियोस बनाऊँ, तो यार उसके बारे में भी लाया जा सकता है। मैंने पहले बताया था कि मैं UI UX डिज़ाइन मुझे कैसे काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग सा लग रहा है, तो उसको सीखने की कोशिश रहेगी, तो सीखना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, तो उसके बारे में जो है आपको बताना होगा। अगर काफ़ी टाइम हो गया, अभी 3-4 महीने हो गए सीखते हुए, तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हम डालूँ या फंक्शंस के बारे में बताऊँ कि आखिरकार कैसे काम होता है, तो यार उसके बारे में आपको बताया जाएगा अगर कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आएगी। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही था, और हमारे 100 के होने वाले हैं, अभी 75 के हो जाएंगे थोड़े दिन में ही, तो 75, 80, 85, 90, 95, 100, ओके। तो यार इस साल में हो जाने चाहिए, ऐसे टारगेट है ये वाले साल का, तो फिर कुछ ऐसे बड़ा सा किया जाएगा, कुछ अच्छा किया जाएगा, ठीक है। व्लॉग व्लॉग भी डालेंगे अगर 100 के हुआ तो सेलिब्रेशन वगैरह का, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें करने का ऐसे सोचा हुआ है, और एकाद तो भी अच्छा सा कोर्स YouTube पे जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा, और फ्री रहेगा, ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कुछ प्राइस नहीं रहेगा, मैंने सोच के रखा हुआ है शुरू से। तो नेक्स्ट ईयर करना है कि अभी करना है उसके ऊपर ऐसे सोचा नहीं है, बट अगर 100 के इस साल में होते हैं तो हम लॉन्च करेंगे उसको न्यू ईयर में पक्का से, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।